हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। इस वीडियो में हम एक और परमानेंट सरकारी नौकरी की बात करने वाले हैं और ये जो वैकेंसी है सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती आई है। पद योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोगों को बताई जाएगी। अंत तक वीडियो के बने रहें क्योंकि आधी अधूरी जो बातें होती हैं वो किसी काम की नहीं होती है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही जो है फैसला करें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे और कहाँ मिलेगा, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूं। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को इसकी जो डिटेल है वो बता देती हूं कि विभाग का जो नाम है जहां से वैकेंसी आई है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ये वैकेंसी है। पूरे भारत के कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। पद का नाम है सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड। कुल पदों की संख्या जो है 657 है और कम नहीं है पद। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि ये पद जो है वो कम है, क्योंकि आप केवल एक ही पद के लिए काम करते हैं, ठीक है, एक पद ही आप लोगों को चाहिए होता है। सैलरी यहाँ पर लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक मिलेगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लेडी सुपरवाइजर भर्ती के बारे में बताया था, बहुत अच्छी जो है वैकेंसी वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इतनी अच्छी जो सरकारी नौकरी मिल रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें और आप लोग जो है बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करें। यहाँ पर भी आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन रहेगा। आवेदन शुरू करने की जो तिथि है, अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, 6 नवंबर 2023 से मेन वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इस डेट को जो है वो बिल्कुल आप लिख लें अगर आप सहायक अध्यापक भर्ती एलटी ग्रेड के लिए जो है तैयार हैं। आधिकारित जो साइट है इसकी मेन वेबसाइट है SSC.UK.Government.in। एक परीक्षा आपकी यहाँ पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा की डेट भी जो है यहाँ पर इन्होंने बता दी है 10 मार्च 2024। तो यहाँ पर आप लोगों को नौकरी ही मिल जाएगी 10 मार्च 2024 तक। बाकी जो है इन्होंने ये भी कहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर ये डेट जो है वो चेंज करनी पड़े तो की जाएगी। योग्यता केवल स्नातक, किसी भी स्ट्रीम से स्नातक कहा गया है और साथ में आपके पास बीएड मांगा गया है। तो बहुत अच्छी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड की मांग की जा रही है। कोई आप लोगों का सी टेट या स्टेट टेट नहीं मांगा जा रहा है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम 42 वर्ष है और सरकार के नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट जितनी भी आरक्षित श्रेणियां हैं उन्हें मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा यहां पर होने वाली है और इसमें जो है सिलेबस क्या रहेगा, तो जीके जीएस और उत्तराखंड का जो जनरल नॉलेज है उसमें शामिल होगी और साथ में जो है ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। डिटेल में सिलेबस की जानकारी जो कि ऑफिशियली जब आ जाएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। आधिकारिक साइट जो है इसकी, इस पर जो है चलते हैं SSC.UK.Government.in। तो 6 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और तब जो है यहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन कंप्लीट देखने को मिलेगा। जितनी जानकारी जो है मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई है बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। आप लोग तैयार रहें, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाएगा, सिलेबस से संबंधित भी जानकारी दी जाएगी। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। अगर आप भी जो है वेट कर रहे हैं यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी भर्ती का, तो आप जो है इसकी मेन वेबसाइट पर आकर जो है वो चेक करेंगे। रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन इस पर जो है आप लोगों के लिए आ जाएगा। अभी जो है यहाँ पर पुरानी जो एडवर्टीजमेंट है वही डाली गई है, अभी कोई नई एडवर्टीजमेंट नहीं आई है। जैसे ही आती है चैनल के माध्यम से आपको पता चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है एजुकेशन से संबंधित, एग्जाम जॉब से संबंधित, सभी आप लोगों को समय पर मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।